वर्ण क्षात्र विजय थे। एक समय जामनगर के राजवी जाम रावल जी जाडेजा अपने इष्ट देवी आशापुरा माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पधारे थे। उन दिनों चैत्र मास की नवरात्रि के दिन चल रहे होने की वजह से मंदिर में धार्मिक कार्य चल रहे थे। सभी धार्मिक कार्यों में भाग लेने के पश्चात जाम रावल जी जाडेजा एवं उनके आदमी व नगर के मध्य से होकर राज दरबार की ओर जा रहे थे। जाम रावल जी अपने आदमियों से बातचीत में कह रहे थे कि पूजा पाठ एवं होम हवन आदि कार्यों में बहुत देर लगने की वजह से उन्हें हुक्का पीने की इच्छा हो रही थी, लेकिन मंदिर में और ब्राह्मणों के सामने उन्हें हुक्का मंगवाने में संकोच हो रहा था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि मंदिर की बजाय राज दरबार में जाकर ही हुक्का पियेंगे। इस तरह बाजार में बातें करते करते एवं प्रजाजन की सलाम लेते लेते जाम रावल जी जाडेजा अपने मंत्रिमंडल के साथ राज दरबार की ओर जा रहे थे। तभी वहां एक व्यापारी की दुकान पर सफेद एवं साफ सुथरे कपड़ों में एक वयस्क पुरुष हाथ में चांदी का हुक्का लेकर खड़ा खड़ा पी रहा था। उसने भी बाकी लोगों की तरह जाम साहेब को सलाम की। श्याम साहेब के एक हजूरी की नजर उस पर पड़ी। हजूरी ने उसे राजपूत मानकर जाम साहेब की तलब बुझाने के लिए उसके पास हुक्का मांगते हुए अपना हाथ लंबाया। तभी वह श्वेत वस्त्रधारी पुरुष बोल उठा कि घणी कम्मा अन्नदाता, मैं तो आपका मजदूर हूँ। इस तरह उसने जाम साहेब की हजूरी को बीच बाजार में अपनी जाति के बारे में बताया। उसके पास से जाम साहेब के लिए हुक्का मांगने पर जाम साहेब और उसके मंत्रिमंडल को शर्मिंदा होना पड़ा। जाम साहेब ने स्वयं अपनी आंखों से यह पूरा प्रसंग देखा। जाम साहेब जब राज दरबार में जाकर अपनी गाड़ी पर विराजमान हुए तो नौकरों ने उनके सामने सुवर्ण जड़ित हुक्का लाकर रखा। हुक्के को देखते ही जाम साहेब ने उस पर से चलम को उतार लेने का आदेश दिया और चलम को उतारते ही उन्होंने अपने हाथों से उस स्वर्ण जड़ित बेशकीमती हुक्के को उठाया और सामने की दीवार पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उन्होंने कहा कि आज इस बुरी आदत की वजह से भरी बाजार में उनके हजूरी को नीच जाति के व्यक्ति के पास से हुक्का मांगना पड़ा, जो मेरे और जामनगर के जाडेजा राजवंश के लिए बहुत शर्म की बात है। इस वजह से मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं और मेरी गादी पर आने वाले जाम राजवी कभी हुक्का नहीं पिएंगे। इस तरह जाम रावल जी जाडेजा ने हाथ में पानी लेकर प्रतिज्ञा की और हुक्का पीने की बुरी आदत को छोड़ डाला और पूर्वज की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए जामनगर के जाडेजा राजवंश की गाड़ी पर विराजमान हुए। किसी भी जाम राजवी ने आज तक हुक्का नहीं पिया।